Hi guys, welcome back to my channel. My name is Ruchi Thakur. आज का वीडियो विंटेज चाइल्ड केयर के बारे में है. मेरा छोटू बेबी 5 मंथ्स का हो चुका है और ये उसकी फर्स्ट विंटर है. तो मुझे लगा ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, कैसे हम अपने बच्चों की फर्स्ट विंटर को हैप्पी बना सकते हैं. तो मैंने सोचा उसके बारे में एक वीडियो बना लिया जाए. जैसा कि सभी जानते हैं, न्यू बॉर्न बेबी से लेकर फर्स्ट ईयर तक बच्चों की विंटर बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग नहीं होती है. उन्हें किसी भी तरह का कफ, कोल्ड, फीवर हो सकता है. तो हम इन सब चीज़ों से कैसे अपने बच्चे को सेव कर सकते हैं, क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं, तो इस वीडियो में हम उसके बारे में बात करेंगे. तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू. फर्स्ट पॉइंट है मसाज. विंटर्स में बेबीज की मसाज करने के लिए आप ऑलिव ऑयल, सिसमे ऑयल जिसे तिल का तेल भी बोला जाता है, मस्टर्ड ऑयल या बादाम रोगन का आप यूज़ कर सकते हो. इन सब की तासीर जो होती है वो गर्म होती है. आप कोकोनट ऑयल का बिल्कुल यूज़ ना करें, उसकी तासीर जो है ठंडी होती है. दिन में 2 बार एटलीस्ट बेबीज़ की मसाज ज़रूर करें. अगर आप 2 बार नहीं कर सकते हो तो शाम को, मीन्स रात को, बेबी की लेग्स की और बैक की मसाज ज़रूर करें. जब आप बच्चे की मसाज करें तो एक साथ पूरे कपड़े उतार कर बेबी की मसाज ना करें. पहले अपर बॉडी की मसाज कर लें, फिर कपड़े पहना दें, उसके बाद आप लोअर बॉडी की मसाज कर सकते हो. अगर आप चाहें तो रूम में हीटर भी लगाकर बेबी की मसाज कर सकते हो. रूम के डोर्स को आपने हमेशा बंद रखना है जब आप मसाज करें, ताकि बाहर से ठंडी हवा ना आ सके. मसाज करने से बेबीज़ का ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है और उन्हें गर्माइश भी मिलती है, बच्चा एक्टिव भी रहता है. तो आपको बेबी को अच्छे से मसाज ज़रूर करनी है. आप एक बोल मस्टर्ड ऑयल लें, उसमें 3 से 4 चम्मच अजवाइन डालें और कुछ लहसुन की कलियां डालें. इस तेल को अजवाइन और लहसुन के साथ अच्छे से बॉईल करें. आपको इसे बिल्कुल खौलता हुआ बॉईल करना है. 3 से 4 मिनट तक इसे अच्छे से बॉईल करें, इसे ठंडा होने दें. इस तेल को छान कर आप किसी कांच की बॉटल में स्टोर कर लें. इस तेल से भी आप बीच बीच में मालिश करें. ये ऑयल कफ कोल्ड से काफ़ी बच्चों को फ़ायदा दिलाता है. हम बच्चों को, जो बच्चे 6 मंथ से बहुत छोटे हैं, उनको हम ओरली कुछ भी नहीं दे सकते हैं. जो भी हमें उनको ट्रीटमेंट देना है कफ एंड कोल्ड के लिए, वो हमें उनको एक्सटर्नली ही देना है. सेकंड पॉइंट है क्लोथिंग. विंटर्स में हमेशा आप अपने बेबीज़ को लेयरिंग में कपड़े पहनाएं. सबसे पहली लेयर जो है हमेशा कॉटन की होनी चाहिए. आप अपने बच्चे को वेस्ट पहनाएं, वेस्ट मीन्स बनियान पहनाएं, उसके बाद फुल स्लीव्स की टी शर्ट, फिर स्वेटर और जैकेट. जैसे जैसे सर्दी बढ़ती जाएगी आप उस हिसाब से लेयर्स इंक्रीज कर सकते हो. सबसे पहले कॉटन का कपड़ा इसलिए पहनाएं क्योंकि कॉटन से बच्चा कंफर्टेबल फील करता है. अगर आप डायरेक्टली उसे कोई भी वुलन कपड़ा पहना दोगे, उससे बच्चे को रैश हो सकता है, बच्चे को इचिंग हो सकती है और बच्चा थ्रू आउट अनकम्फर्टेबल रहेगा. जैसे जैसे सर्दी इंक्रीज होती जाएगी आप उसकी लेयर्स इंक्रीज कर सकते हो. और जैसे ही सर्दी कम होनी शुरू होगी तो आप एक एक करके उनकी लेयर्स रिमूव कर सकते हो या लेयर्स कम कर सकते हो. विंटर्स में बेबी का हेड, ईयर, चेस्ट और फीट हमेशा कवर करके रखें. एस्पेशली जब आप कहीं बाहर जाते हैं तो इन सब को कवर करके लेकर जाएं, क्योंकि सर्दी यहीं से ही बच्चों को लगती है. थर्ड पॉइंट है बेदिंग. विंटर्स में आप अपने बेबी को डेली नहला सकते हो. आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है. बच्चे के कपड़े उतारने से पहले आप सारी तैयारी कर लें. बच्चे के नहाने का पानी अच्छे से पहले गर्म कर लें. बच्चे के नहलाने के बाद जो कपड़े आपने पहनाने हैं वो ऑलरेडी निकाल कर रख लें. बच्चे को आपको गुनगुने से थोड़ा सा गर्म पानी लेना है. बच्चे की स्किन बहुत डेलिकेट होती है तो बहुत ज़्यादा गर्म पानी भी ना लें आप.
इतना ल्यूक वार्म वाटर आपको नहीं लेना है, क्योंकि अगर पानी जो है सर्दियों में एकदम से जल्दी ठंडा हो जाता है, थोड़ा सा पानी यू नो ल्यूक वार्म से ज़्यादा गर्म रखें। और बच्चे को नहलाने के बाद अच्छे से ड्राई करें, ड्राई करने के बाद उसे आप कपड़े पहनाएं, कपड़े पहनाने के बाद आप 10 से 15 मिनट तक बच्चे को रूम में ही रखें, एकदम से बाहर ना लेकर जाएं। अगर आपको बच्चे को धूप सेकानी है तब भी आप 10 से 15 मिनट का वेट करें, बिकॉज सर्दियों में धूप के साथ साथ बाहर बहुत ठंडी हवा भी चली होती है। नहलाने के बाद एकदम से आप अपने बच्चे को बाहर लेके जाओगे तो उसे सर्द गर्म भी हो सकता है। अगर आपको अपने बच्चे को रोज़ नहीं नहलाना है तो एटलीस्ट स्पंज बाथ तो ज़रूर करें, उससे एक्स्ट्रा ऑयल भी निकल जाएगा और बच्चे बहुत सारा मिल्क स्पिट करते हैं तो वो स्मेल रह जाती है, तो स्पंज बाथ से वो स्मेल भी चली जाएगी और बच्चा फ्रेश फील करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है बेबी मॉइस्चराइज़र। अगर आप मेरी तरह अपने बेबी पर कोई भी कॉस्मेटिक यूज़ नहीं करते हो तो आप दूध के ऊपर जो मलाई बनती है वो एक नेचुरल मॉइस्चराइज़र होता है, आप वो अपने बेबी के लिए यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ मार्केट में बहुत सारे नेचुरल बेस्ड मॉइस्चराइज़र अवेलेबल हैं जो पैराफिन फ्री होते हैं और सेफ़ होते हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हो। तो अपने बेबी को आप मॉइस्चराइज़ ज़रूर करें, तो आप अपने बेबी की स्किन को आप इस तरह से मॉइस्चराइज़ कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है फूड। अगर आपका बच्चा 6 मंथ से बड़ा है तो आप उसे ल्यूकवॉर्म फूड सर्व करें, आप उसे सूप भी दे सकते हो, जूस बिल्कुल ना दें। अगर आपके बच्चे को केला खाना पसंद है तो आप उसे दिन में ही केला दें, सुबह शाम केला बिल्कुल ना दें, और आप उसे बादाम घिसकर भी खिला सकते हो। जायफल जिसे नटमेग भी कहते हैं वो सर्दी जुकाम के लिए बहुत अच्छा होता है। 6 मंथ से छोटे बच्चे को हम जायफल खिला तो नहीं सकते हैं, बट आप उसे घिस कर उनके फोरहेड पर या उनके सोल पर अगर लगा दोगे तो उससे बच्चे को सर्दी खांसी में बहुत आराम मिलेगा। अगर बच्चा 6 मंथ से ज़्यादा बड़ा है तो आप उसे थोड़ा सा जायफल डाइल्यूट करके पानी के साथ पिला भी सकते हो, उससे भी बच्चे को सर्दी खांसी में बहुत आराम मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है स्लीप। विंटर्स में बेबीज़ की स्लीप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। आप बच्चे को कॉट में सुलाने के बजाय अगर बच्चा माँ के साथ सोएगा तो बच्चे को माँ की बॉडी से एक हीट मिलती रहती है जिससे बच्चे को ठंड नहीं लगती है और बच्चा गर्म महसूस करता है, जिसकी वजह से बच्चा ज़्यादा देर सो सकता है। अच्छा रहेगा कि जिस बेड पर बच्चा और मदर स्लीप कर रहे हैं अगर उसके ऊपर एक लेयर ब्लैंकेट की लगा दी जाएगी तो नीचे से भी बच्चे को गर्म फील होगा, उसकी वजह से भी बच्चा काफ़ी देर अच्छे से सो पाएगा। बच्चे को कभी भी स्वेटर पहनाकर ना सुलाएं, उसका स्वेटर रिमूव करें और बच्चे को 2 लेयर तक आप मोटे कॉटन के कपड़े पहनाकर सुला सकते हो और साथ में सॉक्स भी कभी पहनाकर ना सुलाएं। विंटर्स में बेबीज़ की नोज़ काफ़ी ड्राई हो जाती है, उसके लिए आप बच्चे को स्टीम दे सकते हो। आपको बच्चे को स्टीम क्लोज रूम में देनी है, दरवाजे खिड़कियां बिल्कुल बंद कर लें। आप बच्चे को अपनी गोद में बिठाकर स्टीमर को थोड़ा सा दूर रखकर बच्चे को स्टीम दे सकते हो। अगर बच्चा गोद में बैठने में कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा है तो आप बच्चे को बेड पर रखें और एक कॉर्नर में स्टीमर चलाकर छोड़ दें। उससे क्या होगा, पूरे रूम में स्टीम आ जाएगी और जैसे बच्चा एयर ब्रीथ करेगा तो उसके थ्रू स्टीम भी बच्चे को मिल जाएगी। आप डेली बेबी को 10 to 15 minutes 2 times स्टीम दे सकते हो। अगर 2 बार नहीं दे सकते हो तो दिन में 1 बार ज़रूर दें। आप चाहें तो आप अपने बेबी के नोज़ में नेजो क्लियर या नेजल स्लाइम ड्रॉप्स भी डाल सकते हो, इससे भी बच्चों की ड्राई नोज़ में काफ़ी आराम मिलता है। नेक्स्ट है अजवाइन की पोटली। अजवाइन की पोटली से बच्चों की सर्दी खांसी बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। अजवाइन की पोटली बनाने के लिए 2 बड़े चम्मच अजवाइन के लें, साथ में 3 से 4 लहसुन की कलियां लें।
अब अजवाइन और लहसुन की कलियों को अच्छे से एक पैन में भून लें। जब इसमें से स्मोक निकलनी शुरू हो जाए तो गैस बंद कर लें और उसके बाद एक क्लीन हैंकी लें। उस क्लीन हैंकी में ये भुनी हुई अजवाइन और लहसुन की कलियां डालें और एक गांठ लगाकर एक पोटली तैयार कर लें। इस पोटली को बच्चे के सर के पास रखें और हर 30 मिनट के बाद आप इस पोटली को बच्चे को आपको सूंघाना है। ऐसा करने से बच्चे की सर्दी खांसी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट इज सन बाथ। रोज बच्चे को 15 से 30 मिनट धूप जरूर दिखाएं। बच्चे को डायरेक्ट धूप ना दिखाएं। बच्चे को गोद में रखकर आप सन की तरफ पीठ करके बैठ जाएं और बच्चे के पैरों की तरफ धूप दिखाएं। धूप से विटामिन डी की कमी पूरी होती है और बोन्स के लिए काफ़ी फायदेमंद होती है। फेस की तरफ करके ना बैठे, सनबर्न हो सकता है या बेबी को रैश भी हो सकता है। आज का वीडियो यही एंड होता है। आई होप आपकी और आपके बेबी की विंटर बहुत अच्छी जाए। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।